everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 20th मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि जो है मेष राशि यानी कि एरीज। कार्ड्स आपके लिए आए हैं दी स्टार एंड एस ऑफ कप्स। बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज आपके लिए। दिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आप शाम तक बिल्कुल बोलते हैं ना, खुशी से फूले नहीं समाएंगे, इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो नया लव प्रपोजल भी आज आपको आ सकता है और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट के तौर पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पर्सनली भी ये विश कर रहे हो कि लाइफ में कोई अच्छा इंसान जाए जिसके साथ आप अपनी शादी प्लान कर सकते हो, फ्यूचर प्लान कर सकते हो। तो वैसे किसी इंसान की एंट्री आज आपकी लाइफ में होगी और हम बोल सकते हैं कि आपके जो पैर है वो सातवें आसमान पे भी होंगे। ठीक है जी, कलर आपके लिए जो लकी रहेगा वो है ब्लू कलर एंड नंबर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है नंबर 1। टॉरस कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 2 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और आपके बीच में चीज़ें थोड़ी सी भी ठीक नहीं चल रही हैं, तो आज का दिन उसको काफ़ी हद तक और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी लड़ाई हो सकती है। बिजनेस के अंदर भी अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ किसी ना किसी प्रकार की बहस आज ज़रूर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते 100% बिल्कुल एंड की तरफ लीड कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो वहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा होकर के आज रह जाएगा, उससे ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं होंगी। जो लोग सिंगल्स हैं उनको कोई नए प्रपोजल्स आ सकते हैं, उनका नया अफेयर यहाँ पर आज शुरू हो सकता है। कलर की अगर मैं बात करें तो ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस। नए लव ऑफर्स आज आपको आ सकते हैं, नए जॉब ऑफर भी आज आपको आ सकते हैं। पैसे को लेकर के अगर बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, कोई पेमेंट आनी थी बड़े टाइम से अटकी हुई थी, डिले चल रही है, आज आपकी पेमेंट भी वो आ जाएगी। तो दिन जो है कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पे बहुत ही फुलफिल्ड और अच्छा दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपकी जो है काम फाइनली शाम होते होते बन जाएंगे। शुरुआत भलाई दिन की स्लो हो, लेकिन आफ्टरनून आते आते पेस लेते हुए आपका जो दिन है कुल मिलाकर के अच्छा ही जाने वाला है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है येलो। नंबर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है नंबर 1। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। आज आप बिल्कुल रेस्ट के मूड में हैं। यू आर लाइक कि मैंने आज ना एक काम करो, मैंने बहुत दिन का काम निपटा लिया आज अपना, अब मैं आराम करना चाहता हूँ या मैं आराम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आज आप मुझे रेस्ट मूड में दिखाई दे रहे हैं। आप किसी टेम्पल की विजिट भी कर सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी टेम्पल को विजिट करने के लिए, और आप मुझे यहाँ पर मेडिटेशन में भगवान में लीन भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान में लीन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन ही पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन यस, आपका जो दिन है वो ज़्यादातर किसी स्पिरिचुअल प्लेस की विजिट करने में आज जाएगा। ठीक है जी, और ये कोई जो आपके गॉड या गॉडेसेस जिसमें भी आप बिलीव करते हो, ये उनका नहीं, मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी किसी मेल है ना, जैसे कृष्णा शिवा, किसी मेल जो है उसकी भगवान की जो है आप टेंपल को आज विजिट करोगे। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है रेड। नंबर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है नंबर 4। सिंह राशि यानी कि लियो। कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कॉइंस। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के चिंता आज आपकी बढ़ सकती है। ये प्रॉपर्टी आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसको लेकर के, जिसके विभाजन को लेकर के एक्चुअली आपका स्ट्रेस जो है बढ़ा हुआ है। यानी कि जिनके नाम पे भी पहले प्रॉपर्टी थी, आपके जो पूर्वज थे वो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, फाइनली बच्चों के अंदर प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है, लेकिन आप परेशान हैं क्योंकि उसका कोई हल निकल नहीं रहा है, उस ठीक से प्रॉपर्टी डिवाइड होने के चांसेस लग नहीं रहे। शाम का टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, गेट टुगेदर, एक फैमिली गेट टुगेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर काफ़ी लोग सभी जो है आप फाइनली, आप भी कितना भी परेशान है लेकिन शाम होते होते जब आप परिवार के साथ एक हेल्दी टाइम बिताएंगे तो आपको भी दिमागी रूप से काफ़ी राहत मिलेगी। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है येलो। नंबर्स जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 9। वर्गो। कन्या राशि। कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 महीने पहले स्टार्ट किया कोई बिजनेस फाइनली आज आपको बहुत मोटा प्रॉफिट दे करके जाएगा। 6 महीने पहले करी हुई कोई दोस्ती आज आपके काम आ जाएगी, ऐसी एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। दिन बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं बुरे समय से अच्छे समय की तरफ आप वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों को लेकर के स्टेबिलिटी दिखाई देती है, दिन अच्छा दिखाई देता है। काम को लेकर के कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है स्काई ब्लू। नंबर्स जो आपके लिए अच्छे लकी रहेंगे वो है नंबर 1।
कुलीब्रा यानी कि तुला राशि का आए हैं आपके लिए प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्स। घर में अगर बच्चे हैं, दो से ज्यादा बच्चे, तो 100% बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, पूरा दिन उनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते भी जा सकता है। वर्क प्लेस पे कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी, पैसों को लेकर के भी एक अच्छी न्यूज आज आपको मिल सकती है। मैं बोलती हूँ कि बच्चों को लेकर के अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे वेकेशन बनाने आ गए हैं, हॉलीडेज के लिए आ गए हैं, तो सबको लेकर के आज आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए, उनको गेमिंग के लिए ले जाइए, शॉपिंग को ले जाइए, तो आप स्क्वारल से बच सकते हैं। अदरवाइज दिन जो है पूरा मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा चिकचिक भरा रहने वाला आपके लिए, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, मेंटल पीस काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है पीच, नंबर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है नंबर 5। आगे जो है स्कॉर्पियो कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई सोने जैसा दिन है, मैं बोलती हूँ जैसे किस्मत तो आज जो है स्कॉर्पियो ही लेके बैठे हुए हैं। हर तरीके से, हर एंगल से मैं बोल सकती हूँ बहुत पॉजिटिव दिन जाने वाला है, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मुनाफा होगा। किस्मत कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके पक्ष में जो है काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से नाम हो रहा है, शाम को सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है, सो दिन इज़ गोना बी अमेजिंग फॉर यू, इट्स सुपर सुपर पॉजिटिव। कलर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है गोल्ड एंड मरून एंड नंबर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है नंबर 9। सेजिटेरियस कार्ड्स आए हैं द मून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यस, किसी तीसरे की वजह से आप दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, यस, तीसरे की बातों को सुनना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ये छोटे छोटे चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे लोगे तो आपका दिन बेटर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो आपका दिन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओके ओके ओनली दिखाई दे रहा है। ना बहुत चीज़ की खुशी महसूस कर पा रहे हो, ना कोई बहुत ज़्यादा दुख है, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने स्टेट में ही नहीं हो। कुछ लोगों के केसेस के अंदर यहाँ पे पीसीओएस की जिनको प्रॉब्लम है वहाँ पर थोड़ी सी आपको स्टमक एक, वॉमिटिंग, नॉस्टैल्जिया, ये सब चीज़ें एक साथ हिट कर सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है अगर आप में से कोई, तो आपके केस में चीज़ें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और सर्जरी तक भी बात जा सकती है। कलर जो आपके लिए लकी रहेगा वो है स्काई ब्लू, नंबर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 7। कैप्रिकॉर्न मकर राशि कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप रोज एक सपना देखते हो कि मेरी बस ये विश पूरी हो जाए, मेरी बस ये विश पूरी हो जाए, तो आज फाइनली वो दिन भी आ गया है जब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड, हैप्पी नजर आ रहे हैं, काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपकी मैं बोल सकती हूँ फैंटेसीज हैं, आप ना सोचते बहुत ज़्यादा और एक्शन नहीं लेते हो, तो यहाँ पे एक्शन आज भी मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हो, अच्छा अच्छा ही होगा, कहीं पर भी कोई चीज़ आज आपके लिए नेगेटिव दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों के पास में अगर सच में अलादीन का चिराग है तो आज मैं बोलूंगी उस चिराग को एक्चुअली थोड़ा सा घिस दीजिएगा और बकायदा लिटरली जिन सामने आ जाएगा और आपकी विश को आज पूरी कर देगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि जीभा पे जो है हमारे सरस्वती बैठी होती हैं, जो बोलते हैं वही हो जाता है, वैसा ही मैं बोल सकती हूँ आपके लिए है कि किस्मत जो है बस आपके फेवर में है, जो चाहोगे आज वो हो जाएगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा गोल्डन येलो, नंबर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 7। एक्वेरियस कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप किसी इंसान का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये इंसान मेरी फीलिंग्स को समझेगा, मेरी लाइफ में आ जाएगा, मुझसे प्यार करेगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो नहीं आएगा और वो आपसे प्यार भी नहीं करता, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है वो आपके लिए वक्त भी निकालेगा, आपको प्रायोरिटी पे भी रखेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। जो आपको इतना वेट करवा दे वो आपसे प्यार नहीं करता, ये आपको समझने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक नज़र आ रहा है आपके लिए, लेकिन आज भी जो है फाइनली मुझे आज भी कोई इंप्रूवमेंट आप में दिखाई नहीं दे रही है। आज भी आप उस इंसान का इंतज़ार करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, उसके बारे में उसको उसका सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करते हुए, यही सब करते हुए आज आप मुझे नज़र आ रहे हो, और उसकी वजह से सैडनेस, एक अजीब सी जो है एक नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ सकती है। कलर आपके लिए लकी रहेगा रेड, नंबर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 7। पाइसेस यानी कि मीन राशि का आए हैं द एम्परर एंड द एम्प्रेस। सच ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब एम्परर और एम्प्रेस बोथ हर कपल एक्चुअली है ना, तो दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, हर तरीके से काम में भी राइज करोगे, पर्सनली भी बहुत खुश रहोगे। माता पिता को जो है कहीं ना कहीं आप घुमाने ज़रूर लेके जाओ, उनको कोई तीर्थ यात्रा गिफ्ट कर दो, मेरी मानो तो वैसा कर दोगे तो जीवन में कोई भी काम अटक रहा होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। आज का दिन भी जो है माँ बाप की सेवा करने के लिए बना है आपके हिसाब से, तो जितनी सेवा करोगे उतना मेवा आपको ज़रूर मिलेगा। कलर आपके लिए जो लकी रहेंगे वो है रेड, नंबर जो आपके लिए लकी रहेंगे वो है नंबर 3। तो ये था आपका आज का टैरोस्कोप, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं और अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।